गुड मॉर्निंग भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। राम राम सबको, कैसे हो? तो अभी मैं आज ब्रिज वॉच पे जा रहा हूँ, पहली बार यूनिफॉर्म पहनी है इस जहाज पे। लेट हो रहा हूँ यार, फटाफट जाता हूँ, बाद में मिलता हूँ, ब्रिज से आने के बाद मिलता हूँ। ब्रिज पे रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, पायलट है सो बिजी शेड्यूल है, बाद में ब्रिज से आने के बाद मिलता हूँ आप लोगों को। ये अपने इंडियन जहाज कैनेडा में आ रखे हैं, MTM मुंबई, इंडियन कंपनी का जहाज है। हर तरह के जहाज आते हैं यहाँ पे। मॉन्ट्रियल पहुंच गए भाई हम लोग, स्टोर्स वगैरह उठाएंगे यहाँ पे अब। और बाकी ये नज़ारा देख लो, ये पोर्ट है मॉन्ट्रियल का। एंकर करेंगे, हमने भी अपने एंकर रेडी कर लिए हैं। ये हमारा एंकर है जी, लंगर बोलते हैं हिंदी में जिसको। अब यहाँ इसको डाल देंगे पानी में, फिर जहाज रुक जाएगा हमारा। ये जहाज को खींच के लेके जा रहे हैं टग वाले। इसका कुछ आई थिंक इंजन ख़राब हो गया होगा, जब जहाज में कुछ दिक्कत आ जाती है तो ऐसे खींच के ले जाते हैं उसको। टग वाला ये टग है, इसको बहुत पैसे मिलते हैं जब ऐसा काम करते हैं तो। जहाज वाले से बहुत पैसे खसूटता है। उसका प्रोपेलर रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, देख लो। ऐसे ही बस खींच के ले जा रहा है उसको टग। देखो भाई, अभी हम मॉन्ट्रियल पहुंच गए और यहाँ एंकर किया हुआ है हमने। कुछ इस तरह से खड़े हुए हैं यहाँ। हम फ्यूल लेंगे जहाज का और कुछ स्टोर आएंगे, स्टोर उठाएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। सो ये नज़ारा है अभी अपने डे रूम से। ये अपनी साइड वाली खिड़की का नज़ारा है। छोटी बोट जा रही है। ये मैंने अपने ग्लास पे लगा दिया GoPro माउंट, तो जब मैं बाहर जाता हूँ कुछ काम करने, बिजी होता हूँ, टाइम नहीं होता रिकॉर्डिंग का, तो यहाँ लगा के चला जाता हूँ कैमरा अपना। रिकॉर्डिंग चलती रहती है, शिप चलता रहता है। तो ये हमारे साइड से दूसरा शिप निकल रहा है, इस तरफ मॉन्ट्रियल में अंदर जाते हैं और इस तरफ बाहर, तो ये अंदर जा रहा है अभी। हम जब यहाँ से निकलेंगे तो एंकर उठा के फिर शिप पूरा पीछे टर्न करेगा उल्टा, और फिर हम उस तरफ जाएंगे बाहर की तरफ। नाश्ता हो गया भाई, अब हमारी बंकर बार जाने वाली है, तो डेक पे जाता हूँ, थोड़ा सब देख लेता हूँ सब ठीक ठाक है कि नहीं, एवरीथिंग चेक कर लेते हैं सारी चीज़। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कर रहे हैं आज हम अपनी हैच की, तो ये अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट है पूरा, इसको अभी चेक टेस्ट कर लेता हूँ, फिर चलेंगे डेक पे होल्ड की टेस्टिंग के लिए। यार एक काम खराब हो गया अभी, स्वेटिंग हो गई है इसमें, ये देखो सब जगह स्वेटिंग हो गई और वो पानी टपक गया नीचे, ये पूरा गिल्ला हो गया यार। अब ये क्या करेगा, इसमें दाग छोड़ देगा येलो, और हमारे पास टाइम है नहीं, यहाँ से बस हमारे पास 24 घंटे का रास्ता बचा हुआ है, और उसमें रात भी है और रेस्ट भी करना है, टेंशन है। अब सारे होल्ड चेक करने पड़ेंगे इसमें, अब जाके मॉप मारेंगे दोबारा, नहीं तो होल्ड फेल हो जाते हैं लोडिंग के लिए, ये अलग टेंशन है यार। बिजी चल रहा है शेड्यूल बहुत, ये होल्ड का एक्स्ट्रा काम आ गया, थोड़ी देर में स्टोर आएंगे, फिर बंकर आएगा। आज का तो पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है भाई, रात को नींद भी नहीं हो पाई अच्छे से, तीन चार घंटे सो के ऐसे ही वाट लगी पड़ी है यार। कितने दिन हो गए, समझ ही नहीं आ रही अपनी आत्मा कहाँ है। मोप मार के सुखा रहे हैं अब इसको यार। और यहाँ पे इसमें इसके एजिस पे भी देखो कैसे स्वेटिंग हो रखी है, प्लस यहाँ ग्रीस जम रही है सब जगह पे, अपना बोसन भी ग्रीस साफ करने में लगा हुआ है उधर, और नीचे अपने भाई बाकी पब्लिक मोप मारने में लगी हुई है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है ये, पूरे करने में 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं, कहीं नहीं गए 3-4 घंटे पूरा ये काम करने में, टाइम वेस्ट टोटल। बंकर बार्ज भी आ गई अपनी, अब इसको बांधने के लिए खड़े हुए हैं। स्टोर अंदर शिफ्ट करने लग रहे हैं अब, बहुत स्टोर आ गया, प्लेट व्लेट क्या क्या बहुत ताम जाम मंगाया हुआ है।
ये बोट है, इससे मंगाया हमने। सारा खाने का सामान आ गया, प्रोविजन पायरेसी का सामान है मेनली। लो भैया आ गया अपना पार्टी का सामान, फुल स्टॉक। अभी एंकर उठाने लग रहे हैं हम लोग, एंकर उठा के फिर जहाज को घुमाएंगे पूरा दूसरी तरफ और फिर हम निकलेंगे अगले पोर्ट के लिए अपने। यहाँ कनाडा में ग्रीनरी बहुत जबरदस्त है यार, यहाँ पे देखो क्या ग्रीन ग्रीन। और जब विंटर्स में आते हैं पूरा आइस से कवर्ड रहता है, वाइट एकदम फुल वाइट। पहुंच हो गई है भाई अपनी, ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करके फिर चेंज करके फ्रेश होके डेक पे इडली सांबर हो गया। Our new character, Pati Saab is here. Yes, I am also taking food. Good friend. Last trip also we were together. Yes. Meet another character, Mr. Ashish. Ashish को पहले भी आया था वीडियो में। अभी Ashish डबल फ्राई बनाएंगे, फिर हम खाएंगे। नाश्ता हो गया है भाई, फटाफट अब फ्रेश होता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। 8:30 होने वाले हैं हमारी घड़ी में, 9 बजे डेक पे जाना है, तो चेंज कर लेते हैं फिर आपको मिलेंगे। ताजमहल, अरे ये तो बैग वाली आ गई, चलो यही डाल दो। हमारे चीफ कुक से मिलिए, ऐसे ही डाल दे। चाय बना रहे हैं हम जहाज पे, देसी चाय ताजमहल, कनाडा में मंगाइए ताजमहल चाय। तो पहुंच गए हैं बेकोमो, अभी हमारा होल्ड इंस्पेक्शन होने वाला है, उसके लिए वेट कर रहे हैं ऑफिशियल्स का। हमने सब खोल खाल के रेडी कर दिया अपने होल्ड्स, दिखाता हूँ। ये हमारी सारी होल्ड ओपन है, अभी वो आएंगे वहाँ से, आएंगे पोर्ट से, पोर्ट में उधर से आएंगे। फिर हमने यहाँ पे गैंग रेडी किया हुआ है, यहाँ आके फिर इससे चढ़ के शिप पे चढ़ जाएंगे, उसके बाद होगा इंस्पेक्शन स्टार्ट। ऑल होल्ड्स अपने रेडी हो गए भाई सारे, अब हम वेट कर रहे हैं डेक पे इंस्पेक्टर्स का। तब तक नज़ारा देख लो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये दूसरा शिप खड़ा है, इसने लोड कर लिया कार्गो, फ्यूमिगेशन किया है, तो इसलिए यहाँ रिक्वायरमेंट है 24 घंटे रुकना पड़ता है फ्यूमिगेशन के बाद। और बाकी दूसरी तरफ पोर्ट है उधर, वहाँ जाएंगे हम लोग। आ गए हैं भाई इंस्पेक्शन वाले इंस्पेक्टर्स अपने टग बोट में। ये पूरा जहाज का चक्कर लगा के आता है इंस्पेक्टर जो है इसमें, वो पीएससी इंस्पेक्टर होते हैं ट्रांसपोर्ट कनाडा वाले, तो जहाज की कंडीशन भी चेक करते हैं वो होल्ड इंस्पेक्शन से पहले। तो ये चेक करके आए हैं अभी, ये दोनों इंस्पेक्टर हैं, एक फूड इंस्पेक्टर होता है और एक स्ट्रक्चर चेक करता है जहाज का, सब स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं। अब होल्ड के अंदर आ गए हैं हम लोग, हर होल्ड में जा जाके चेक करते हैं जो है सर्वेयर्स, एक एक होल्ड में पूरी डिटेल में एकदम टॉर्च जला के कॉर्नर अंदर इधर उधर सब जगह भाई डिटेल में चेक करते हैं एकदम, जिसको कहते हैं ना कहीं कुछ छूट नहीं जाना चाहिए, फुल थोरो चेकिंग होती है एकदम एक एक होल्ड में। वैसे इंस्पेक्शन के मामले में कनाडा यूएस वाले जो सर्वेयर इंस्पेक्टर होते हैं मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं, सबसे प्रैक्टिकल बंदे होते हैं ये, बिना बात की कुछ चिकचिकबाजी नहीं होती कुछ नहीं एकदम, मतलब अगर हमारा काम सही है तो ठीक है इनके लिए,
अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो बता देते हैं और ऑप्शन भी दे देते हैं कि भाई ये ठीक हो सकता है तो कर दो हमारे सामने, नहीं हो सकता कुछ बड़ी चीज़ होती है तो कुछ कई बार गड़बड़ कर देते हैं, नहीं तो वैसे एकदम जेन्युइन लगते हैं मुझे ये बंदे, एकदम बढ़िया बात करने में भी A1 और वैसे भी। नहीं तो और दूसरी जगह कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में जाते हैं, ये ऐसे ऐसे मैटर्स में ना इतनी हरासमेंट हो जाती है कि पूछो मत, टेंशन अलग रहती है, प्रेशर हर तरह से। अब मैं नीचे घूम रहा हूँ इनके साथ यहाँ पे, एक्चुअली मुझे जाना पड़ता है हर होल्ड में, चीफ ऑफिसर को सर्वेयर्स के साथ जाना ही है कंपलसरी, तो अब मैं हर होल्ड में इनके साथ जा रहा हूँ। और इस बंदे के साथ पहचान निकल गई कि लास्ट ईयर यही आया था इंस्पेक्शन के लिए, तो पहचान लिया इसने। और अपने बंदे भी यार मेहनत करते हैं, होल्ड वगैरह साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है इसमें, दिन दिन रात रात दो दो तीन तीन दिन चार चार दिन कंटिन्यू लगे पड़े रहते हैं एकदम मेहनत करने में, और फिर रिजल्ट अगर फेल हो जाए तो फिर यार डिप्रेशन हो जाता है बिल्कुल। लो जी अपने होल्ड तो पास हो गए हैं, दोनों भाइयों ने पास कर दिए हैं, सब एक्सेप्ट कर लिया एकदम बढ़िया, दिल खुश हो गया है, सब पब्लिक भी खुश हो गई है। अब जाके हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अब ये चल दिए हैं जी बाय बाय, कल हम अंदर जाएंगे पोर्ट में लोडिंग के लिए, इनकी तरफ से हमारा जहाज क्लियर हो चुका है, अब बस डायरेक्ट हमें अंदर जाना है पोर्ट में और लोडिंग स्टार्ट करनी है। ये वेट कर रहा है उसको उतरने के लिए, जब वो थोड़ा गैप बन जाएगा बीच में तब उतरेगा, ये एक साथ नहीं उतरते, नहीं तो एक साथ ना स्ट्रेस आ जाता है इस पे लैडर पे, तो थोड़ा गैप रखते हैं लोग। पर यहाँ पे देखो ये टेक्नोलॉजी सही है इसकी, यहाँ पे जो लैडर लगाई है इसने एल्यूमिनियम वाली टग वाले ने, ये बहुत रेयर देखने को मिलती है ऐसा सिस्टम इस मामले में, तो वैसे भी आगे हैं यार ये कंट्रीज़ कैनेडा US, इन चीज़ों में एडवांस चीज़ें हैं इनके पास सारी, बहुत सोचते हैं सेफ्टी के बारे में। होल्ड इंस्पेक्शन भी हो गया भाई अपना, सब बढ़िया एकदम मस्त हो गया काम। अब लंच करने जाता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत दिन हो गए हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, अब थोड़े रिलैक्स हुआ है माइंड, बाहर भी अच्छा हो गया मौसम, लंच करते हैं फिर उसके बाद रेस्ट करूँगा, वॉच पे जाना है आज तो वॉच करेंगे, फिर कल हमारी बर्थिंग हो जाएगी, लोडिंग के लिए जाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको लोडिंग वोडिंग। चलो भाई क्विक लंच कर लिया जाए, केकड़ा दाल राइस सलाद। ये अपना यूटी टेस्ट, कोई लीकेज वगैरह हो कार्गो होल्ड में पता चल जाएगा। हमारा जहाज भाई अभी इस तरफ जाके और वहां जो धूल उड़ रही है ना वहां जाएंगे हम, वहां जाके लग जाएगा उस जहाज की जगह पे, वहां ऑलरेडी लोडिंग चल रही है एक जहाज में, हमारी कंपनी का ही जहाज है अपने जैसा ही सेम, तो ये निकलेगा लोडिंग करके और फिर हम इसकी जगह अंदर घुस जाएंगे, और बाकी तुम नज़ारा देख लो जी, ग्रीनरी एंड पानी एकदम नीला है एकदम है। तो आज हम एक नए कैरेक्टर को लेके आ रहे हैं भाई, फुल ये कैडेट है अभी जहाज पे, थोड़े दिनों बाद चीफ ऑफिसर बन जाएंगे फिर कप्तान बन जाएंगे। नहीं सही बात है, तो 12 साल की बात है। चीफ ऑफिसर और कैडेट की जोड़ी सबसे बेस्ट होती है जहाज की। हाँ जी सर बिल्कुल। क्या कहे हो चिकन? ये तो हड्डी दिख गए ना, ये माल लिया अपनी बीन्स राइस चपाती देख रहे हो भैया जी, शाम का नजारा इस तरफ कलर कैसा है, और जैसे जैसे हमारा कैमरा घूमता जाएगा कलर चेंज होता जाएगा, ये देखो लाली आ गई आसमान में। और वहाँ पे घूम रही है व्हेल, ये दिख रही है गोते मारते मारते चल रही है एकदम मस्ती में, बढ़िया मस्ती में चल रही है एकदम, ये देखो कलर रंगीन आसमान और रंगीन समंदर, क्या बोलते हो? चलो भाइयों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा राम राम।